जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वेजिटेबल प्रमोशन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कई एक प्रोजेक्ट्स यहां पर लाए जा रहे हैं, जिसमें यहां पर वेजिटेबल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। उसमें यह भी अंदेशा जाहिर किया जाता है कि 50,000 के करीब यहां पर नए जॉब्स जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और 5,000 के करीब यहां पर नए बिज़नेस यूनिट्स भी खोले जाएंगे। लेकिन वही जब हमने यहाँ पर जो ऑफिशल्स हैं फ्रूट मंडी के उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को अगर ये इनिशिएटिव लेना है तो ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और दूसरी बात यह उन्होंने कही कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर रही है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई इनिशिएट्स ऐसा कर रही है, कोई नई वेजिटेबल्स आ रही हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती हैं, जो हम बाहर भेजते हैं, उसमें कैबेजेस हैं, फुल गोभी, बंद गोभी, आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं इस वक्त भी बाहर। तो अगर अब नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे साथ तो अभी टाई अप उन्होंने किया नहीं है, हमें इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ ला रही है तो वी डेफिनेटली अप्रिशिएट दैम कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मगर उसके साथ साथ हमारी एक ये डिमांड है कि ठीक है जी, एग्रीकल्चर तो हम बढ़ा रहे हैं, हमारे पास मगर फैसिलिटी नहीं है स्टोर्स की, जहाँ पे हम मतलब शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ा सकें, जहाँ पे हम इसको रख सकें कोल्ड स्टोर में फॉर द टाइम पीरियड ऑफ जब तक कि मार्केट में रेट अप डाउन तो होते रहते हैं, कि उसकी वजह से फिर हमें कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट को उस तरफ भी देखना चाहिए कि अगर ये नई वेराइटीज़ ला रहे हैं तो उसको रखने का, उसको संभालने का, शेल्फ लाइफ बढ़ाने का कैसे हम उसमें तरीका ढूंढ सकते हैं। तो आता है तो आपको लगता है कि इससे जो वेजिटेबल मार्केट है या जो इससे मुंसलिक लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास क्या क्या कमियां हैं जो लैग करती है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट को अभी देखने की जरूरत है? देखिए, तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ रही है तो डेफिनेटली इससे तो ग्रोवर को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं कि कोई नई वैरायटीज़ आएँ, जैसे बाहर के मुल्कों में हैं काफ़ी वेजिटेबल्स में काफ़ी नई वैरायटीज़ आती हैं, वैसे ही अगर आएंगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे और हमारे ग्रोवर्स को भी फ़ायदा उसमें मिलेगा। उसमें तो जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज़ हमें चाहिए ताकि हम शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ा सकें। देखिए जी, ये तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं ना कि अभी हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और उसी के साथ ही हम इसको बाहर भेज देंगे। मार्केट बाहर की कैसी होती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है, अकॉर्डिंगली हमें फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ कि हमें सोसाइटी टाइप कोल्ड स्टोर हमारे जैसे विलेजेस हैं, बुगाम है, बाकी एरिया हैं जहाँ पे वेजिटेबल की ज़्यादा ग्रो होती है, वहाँ पे छोटे छोटे कोल्ड स्टोर बनाए जाएँ ताकि ये जो ग्रोवर्स हैं ये अपना माल जो है उस स्टोर में रख सकें। ज़रूरत है तभी यहाँ पर अगर नए प्रोजेक्ट्स खोले जाएंगे तो उसका वेलकम यहाँ पर बखूबी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है वो हर एक कॉर्नर से उसकी वाहवाही देखी जा रही है। फिरदौस लाई, जानन मानी, जेके न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।